हे एवरीवन, दिस इज रिम्पी। वेलकम टू एस्पिरेशन क्राफ्ट। सो मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, एंड तभी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट दिखा। सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स मेक इट। सो हम बनाने वाले हैं आज ये गिटार यूजिंग कार्डबोर्ड। सो जिसके लिए आपको चाहिए एक A4 साइज शीट, एंड इसको मैं वर्टिकली हाफ में फोल्ड कर दूंगी। एंड यहाँ पर हमें एक गिटार की शेप ड्रॉ करनी है, एंड वो हाफ में ड्रॉ करनी है। एंड कैसे ड्रॉ करनी है वो प्रोसेस आप ध्यान से देखो, वीडियो में मैंने शो किया है। सो ऐसे मैंने दो डिफरेंट साइज के राउंड शेप्स यूज करके दो मैंने सर्कल्स बना लिए हैं, आई मीन नॉट सर्कल्स, सेमी सर्कल्स। एंड देन इन दोनों को हम ज्वाइन करके ड्रॉ कर लेंगे गिटार की शेप। हाफ ड्रॉ करेंगे हम, फुल ड्रॉ नहीं करनी है हमें। फिर इसे हम कर लेंगे कट, एंड फिर जब इसको हम ओपन करेंगे हमें मिल जाएगी ये कम्प्लीट गिटार की शेप। एंड इसे हम एज अ स्टेंसिल यूज करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली फिर हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड, एंड कार्डबोर्ड पे इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। एंड ये कम्प्लीट ट्रेस हो जाने के बाद मुझे लगा इसकी शेप ठीक नहीं है, ऊपर का जो पार्ट होता है वो काफ़ी फ्लैट लग रहा है। सो बाद में मैंने इसको ड्रॉ कर दिया था, एंड यस अब इसकी शेप एकदम एग्जैक्ट गिटार जैसी लग रही है। एंड फिर हम उठाएंगे हमारा कटर, एंड इसको हम कर लेंगे नीटली कट। ऐसी मैंने दो शेप्स कट करी हैं थिक कार्डबोर्ड से, और एक किया ये थिन कार्डबोर्ड से। पहले मैंने थिक कार्डबोर्ड ही यूज़ किया था, एंड जिससे मैंने खुद को हर्ट कर लिया। पहले मैंने कटर यूज़ किया था, बाद में मैंने सीजर यूज़ की। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, आप थिक कार्डबोर्ड यूज़ मत करना, आप थिन वाला कार्डबोर्ड ही यूज़ करना। बस आपको थिकनेस अप्रॉक्स इतनी रखनी है जितनी मैंने आपको वीडियो में शो की है, और चाहो तो आप और भी कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास थिन कार्डबोर्ड्स हैं तो। एंड थिकनेस आपको जितना मन करे आप उतनी रखना। सो अब बीच में यहाँ पर मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूंगी, एंड इसको भी मैं कट कर लूंगी। एंड ये सब मैं थिन वाले कार्डबोर्ड पे ही कर रही हूँ, थिक वाले पर नहीं कर रही हूँ। और अगर अभी तक का प्रोसेस आपको इजी लग रहा हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड फिर हम लेंगे ये एक ब्लैक शीट, एंड इस पर भी ट्रेस कर लेंगे गिटार वाली शेप, एंड इसको कट कर लेंगे। एंड फिर हम ग्लू की हेल्प से इसको कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ मैं यूज कर रही हूँ नॉर्मल फेविकॉल, आप चाहो तो हॉट ग्लू गन भी यूज कर सकते हो। एंड यस, जरूरी नहीं आपको भी अपना गिटार ब्लैक कलर से ही बनाना हो, अगर आपको किसी और कलर से भी अपने गिटार को कवर करना हो तो आप कोई और कलर भी यूज कर सकते हो। एंड मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा है। सो मैंने यहाँ पर जो ये ऊपर नीचे दो ऐड करे हैं जहाँ पर हम स्ट्रिंग्स को अटैच करेंगे, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, जो भी बोलते हैं, उसको मैंने कवर नहीं किया किसी भी शीट से, उसको मैंने नॉर्मली रखा है, रॉ एकदम कार्डबोर्ड को ही यूज़ किया। और फिर हमें चाहिए एक थिक नीडल, एंड जिससे मैंने 6 होल्स ऊपर वाली साइड करे हैं, 6 होल्स नीचे वाली साइड करे हैं। एंड इसको हम अच्छे से होल्ड कर लेंगे नीडल्स को आर पार करके। एंड फिर हमें चाहिए ये एक इलास्टिक थ्रेड, और अगर आपके पास ये इलास्टिक थ्रेड अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल वाइट थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो। सो अब मैंने इसको नीडल में कर लिया है इंसर्ट, एंड हमें 1 by 1 यहाँ पर इंसर्ट करते जाना है, ऊपर से नीचे, देन नीचे से ऊपर, जैसा मैंने वीडियो में शो किया है एकदम ऐसे। एंड ये करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली ये हो जाएगा। और जब ये स्ट्रिंग्स अटैच हो जाएंगी तो लास्ट में हम दोनों साइड अच्छे से नोट बिटाई कर देंगे, एंड हमारा गिटार हल्का हल्का सा साउंड भी कर रहा है। एनीवेज अब हम उठा लेंगे हमारे दोनों जो बाकी के पीसेस थे गिटार शेप वाले, इनको हम आपस में ग्लू कर देंगे। और जब तक इन दोनों को हम पेस्ट कर रहे हैं, आप जल्दी से कमेंट करके ये बता दो आपका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। अब ये अच्छे से पेस्ट हो गया है, एंड काफ़ी थिकनेस मिल जाएगी हमारे गिटार को इससे। एंड अब बारी आती है इसका बैक साइड को भी कवर करने की। सो इस पर भी यहाँ पर वाले हम ग्लू लगाएंगे, एंड फिर ब्लैक कलर की शीट पर जो हमने ट्रेस किया था इसका बैक साइड, उसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और अब बारी आती है इसके जो साइड की एजेस हैं जो नीट नहीं लगेंगी, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा उसको देखने में, सो इसको भी हम कवर कर देंगे। एंड यहाँ पर मैंने ये ब्लैक स्ट्रिप्स कट कर ली हैं, एंड इसको हम ग्लू की हेल्प से पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल फेविकॉल ही यूज़ किया है, बट आप हॉट ग्लू गन यूज़ करोगे तो काफ़ी ईजिली और जल्दी से पेस्ट हो जाएगा ये। इसको पेस्ट करते टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी फेविकॉल से, सो आप हॉट ग्लू गन यूज़ करो तो उससे काफ़ी ईजिली पेस्ट हो जाएगा। और अब बारी आती है इसके अंदर वाले पार्ट को भी कवर करने के लिए। सो इसके लिए मैंने पहले यहाँ पे कट्स लगा लिए हैं, एंड इसको सारा का सारा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। एंड ऐसा करने से हमारी एजेस एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, एंड ये जो अभी दिख रहा है इससे तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, थोड़ा मैस दिख रहा है ये अंदर से। और इसके ऊपर हमें इसका जो ऊपर वाला पार्ट हमने रेडी करके रखा हुआ है उसको हमें यहाँ पे पेस्ट ही करना है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अब हमारा ब्यूटीफुल सा गिटार रेडी है जो हल्का हल्का सा साउंड भी कर रहा है, आप ट्राई करके देखना तो आपको पता लगेगा। सो या दैट्स इट, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, शेयर करना विद योर फ्रेंड्स, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।